वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था हम लोग कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारा कॉल्स इन एडवांस देख सकते हैं और हमारे कॉल्स इन एरियर्स भी निकाल सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। अब एक एडवांस प्रॉब्लम लेकर मैं फिर से आप सभी के सामने आ चुकी हूँ। इस प्रॉब्लम में हम लोग बात करेंगे सारी एडजस्टमेंट्स एक ही प्रॉब्लम में, यानी कि इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे इशू एट प्रीमियम, री इशू एट डिस्काउंट। इसी प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे प्रोरेटा अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर, री इशू और प्रॉफिट ऑन री इशू एंड फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एक ही प्रॉब्लम में। दोस्तों, यही वीडियो अंग्रेजी में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। आप सभी की डिमांड है कि आपको हिंदी में वीडियोस चाहिए, इसके लिए आप सभी के लिए एक खास प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले, किसी भी अकाउंटेंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया और बेहतर जो एक तरीका होता है वो होता है हमारी प्रॉब्लम को गौर से पढ़ना। तो हमारा जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, हमें जो एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है, सबसे पहले हमें वो पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेना होता है, जिससे कि हमें अंदाज़ा आ जाता है कि हमारे प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या छुपी एडजस्टमेंट्स है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स हम ढूंढ निकालेंगे और हम लोग हमारी कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा प्रॉब्लम। राठी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन रुपीज 2 पर शेयर, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज 5 पर शेयर, फिक्स्ड कॉल रुपीज 3 पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज 2 पर शेयर। The company received application for 3000 shares and allotment made on prorata to the applicants of 2400 shares. Money overpaid on application by the allottees was employed on account of sums due on allotment. Anokhi, to whom 40 shares were allotted, failed to pay allotment money, and on her failure to pay the first call, her shares were forfeited. Kasturi, the holder of 60 shares, failed to pay the two calls and her shares were forfeited after the second call. Of the shares forfeited, 80 shares were sold to Sham, credited as fully paid for rupees 9 per share, the whole of Anokhi's shares being included. Pass journal entries, cash book and show the balance sheet. So, देखा दोस्तों, इस प्रॉब्लम में वो सब एडजस्टमेंट्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सभी एडजस्टमेंट कंबाइन करके एक ही प्रॉब्लम में मैंने लाई है ताकि इशू ऑफ शेयर्स के बारे में सब कुछ कैलकुलेशन हम एक ही प्रॉब्लम में समझ सके और एक ही प्रॉब्लम में हम देख सके। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं हमारा प्रॉब्लम हमसे क्या कहता है। तो यहाँ पे राठी इंडस्ट्रीज ने 2000 इक्विटी शेयर्स इन्वाइट किए हैं और वो 2000 इक्विटी शेयर्स जो है वो प्रीमियम ऑन प्रीमियम इशू किए हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट लगाए हैं। एप्लीकेशन पर उन्होंने 2 रुपये मंगवाए थे, अलॉटमेंट जो 3 रुपयों का था उसी के साथ प्रीमियम इंक्लूड किया गया है। प्रीमियम 2 रुपये पर शेयर है, तो इसका मतलब होता है कि अलॉटमेंट का मनी 5 रुपये पर शेयर आ गया है। फर्स्ट कॉल 3 रुपये और सेकेंड कॉल ही फाइनल कॉल है, तो वो 2 रुपीज़ पर फिक्स किया गया है। अब 2000 शेयर्स हमने इशू किए थे, लेकिन हमें जो एप्लीकेशंस मिले हैं वो 3000 शेयर्स के मिले हैं। इसका मतलब ये फिर से ओवर सब्सक्रिप्शन की रेंज में चला जाता है। अब हमारे पास 3000 एप्लीकेशंस आए हुए हैं और हम कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो प्रो रेटा अलॉटमेंट करेगी ऑन एप्लीकेशन ऑफ 2400 शेयर्स।
तो 3000 शेयर्स जो हमारे पास एप्लीकेशंस आए थे, उन 3000 शेयर्स में से 2400 शेयर्स के हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 600 शेयर्स जो है वो हम रिफंड कर देंगे, वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और 2400 जो एप्लीकेशंस है वो हम रिटेन करेंगे, और 2400 एप्लीकेशंस हम प्रोरेटा अलॉटमेंट की बेसिस से अलॉट करेंगे। तो जैसे कि एक शेयर होल्डर है अनोखी, जिसने 40 शेयर्स लिए हुए थे, उसने अलॉटमेंट मनी देने में असफलता मिलाई है, मतलब उन्होंने अलॉटमेंट की मनी पेड नहीं की है, और उनके फर्स्ट कॉल की मनी भी ना दे पाने के बाद उनके जो 40 शेयर्स थे वो शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि 40 शेयर्स के फॉरफिचर की एंट्री हमको सेकेंड कॉल देने से पहले करनी होगी, क्योंकि 40 शेयर पर सेकेंड कॉल आता ही नहीं है, वो सेकेंड कॉल करने के पहले ही फॉरफिट कर दिए गए हैं। दूसरा एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 60 शेयर्स लिए थे, उन्होंने भी दो कॉल्स पेड करने से फेल हो गए हैं, दो कॉल्स पर यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर उनके पैसे नहीं मिले हैं, तो उनके भी शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट कर दिए हैं। अब ये फॉरफिचर जो होते हैं वो पहले 40 शेयर्स का पहले होगा और 60 शेयर्स का बाद में होगा। अब ये 100 शेयर्स जो फॉरफिट हो चुके हैं उनमें से 80 शेयर्स जो है वो सोल्ड किए गए हैं शाम को। तो शाम जिन्हें ये 80 शेयर्स सोल्ड किए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर्स हम लोगों ने री इशू किए हैं, और बताया गया है कि फुल्ली पेड फॉर ₹9 पर शेयर। अभी हमारा शेयर प्राइस था ₹10 पर शेयर, लेकिन अब जो री इशू किया है वो री इशू किया है हमने ₹9 पर शेयर। इसका मतलब है कि री इशू एट डिस्काउंट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री भी देखेंगे, री इशू डिस्काउंट में होगा। और ये जो 80 शेयर्स री इशू किए गए हैं, इनमें से 40 शेयर्स जो है, मतलब अनोखी के जो शेयर्स फॉरफिट किए गए थे वो सारे शेयर्स हम लोगों ने री इशू कर दिए हैं, और कस्तूरी के जो 60 शेयर्स हमारे एरियर्स में थे जो फॉरफिट किए हुए हैं हमने, उनमें से 40 शेयर्स हम लोग री इशू कर रहे हैं, 20 शेयर्स हम लोगों ने अभी तक री इशू नहीं किए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा प्रॉब्लम, अब हम बढ़ते हैं हमारी सोल्यूशन पार्ट की ओर। अब सॉल्यूशन पार्ट जब करना है तो हमें सबसे पहले वर्किंग टेबल बनाना पड़ता है, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। लेकिन जैसे कि ये प्रॉब्लम में काफ़ी एडजस्टमेंट हम लोग एक साथ देख रहे हैं, तो हम पहले थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं, पहले हमारे वर्किंग नोट्स हम अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा वर्किंग। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसे होता है। अब जैसे कि सबसे ऊपर दिया गया है कि हमें जो एप्लीकेशंस मिले हैं, दैट इज एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो 3000 एप्लीकेशंस है। अब 3000 एप्लीकेशंस में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 2400 पर ही प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 600 जो शेयर्स एप्लीकेशंस है उन्हें हमको रिफंड करना है, तो 600 एप्लीकेशंस जो है वो हम रिफंड कर देते हैं। अब बचते हैं हमारे पास 2400 शेयर्स, जिसके ऊपर हम लोग करेंगे प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब प्रोरेटा अलॉटमेंट 2400 शेयर्स को करना है। अब हमें पता है कि अलॉटमेंट हम सिर्फ 2000 शेयर्स का ही कर सकते हैं, तो 2000 शेयर्स हम अलॉटमेंट को देंगे, और जो 400 शेयर्स है वो 400 शेयर्स हम लोग एडजस्ट करेंगे, ताकि हमारे कॉल्स इन एडवांस उसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को हमारा प्रोरेटा अलॉटमेंट का रेशो कैलकुलेट करना होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3000 एप्लीकेशंस आए हुए थे, जिनमें से 600 हमने रिफंड कर दिए, 2400 एप्लीकेशन हमारे पास है जिनमें से हमको प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट जब करेंगे, हमें इशू तो करने थे 2000 ही शेयर्स, लेकिन हमारे पास अब है 2400 शेयर्स जो हमने रिटेन किए हुए हैं, और वो हम एडजस्ट करेंगे हमारी कॉल मनी के साथ। तो हमारा रेशो बनता है 24:20, दैट इज जब 24 शेयर्स किसी ने डिमांड किए हैं तो उन्हें हम 20 शेयर्स देंगे। इसे हम शॉर्ट कर लेते हैं तो ये रेशो बन जाता है 6:5। इसका मतलब है जो कोई 6 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसे हम
5 शेयर्स अलॉट करेंगे। दोस्तों ये जो रेशो है ये कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस रेशो का इस्तेमाल हमें हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड में होगा। हमारे जो अलॉटमेंट मनी की वर्किंग करनी है हमें, तो उस समय हमको ये देखना होगा कि एक्चुअल शेयर्स कितने दिए गए थे, डिमांड कितनों की थी और एक्सेस मनी हमारे पास कितना आया है। तो दोस्तों मैं समझती हूँ कि आप ये चार्ट अच्छे से समझ चुके होंगे और इस पे से प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसे होता है वो इजीली आपको ध्यान में आ चुका होगा। तो इससे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारी अलॉटमेंट की वर्किंग्स के साथ। दोस्तों मैं जानबूझकर वर्किंग आपको पहले बता रही हूँ ताकि ये वर्किंग्स हम हमारी वर्किंग नोट यानी कि हमारे स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में काम ले सकें और वहाँ पर जब हमको अमाउंट ड्यू और अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में अमाउंट्स लिखने हैं तो उनके वर्किंग्स हमको करने पड़ेंगे, तो वो वर्किंग मैं आपको पहले ही समझा दे रही हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं हमारी अमाउंट ड्यू फ्रॉम अनोखी। अभी जो हमारा पहला शेयर होल्डर था अनोखी, जिसके पास 40 शेयर्स थे, अभी उनसे हमें अमाउंट ड्यू जो था वो था 40 शेयर पर 5 रुपये अलॉटमेंट के फिक्स हुए थे, तो अमाउंट ड्यू था 200 रुपये। अब जैसे कि अनोखी को 40 शेयर अलॉट किए गए हैं, लेकिन शेयर्स जो अलॉट किए हैं वो प्रोरेटा अलॉटमेंट की बेसिस पर अलॉट किए गए हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा प्रोरेटा अलॉटमेंट का जो रेशो है वो रेशो था 6:5, यानी कि जो कोई 6 शेयर्स डिमांड करेगा उनको 5 शेयर्स दिए जाएंगे। अब जब अनोखी को 40 शेयर्स मिले हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि अनोखी ने ज़्यादा शेयर्स मांगे होंगे, तो उसने कितने शेयर्स मांगे हैं ये हम एक इक्वेशन के जरिए निकालेंगे। तो ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लगाते हैं हमारी प्रोरेटा रेशो की हेल्प से। अब हमारा इक्वेशन बनेगा, जब 5 शेयर मिलते हैं तब 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया जाता है, और जब अनोखी को 40 शेयर्स मिले हैं तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ही हमको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने शेयर्स को अप्लाई किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आता है 48 शेयर्स। इसका मतलब है कि अनोखी ने 48 शेयर्स डिमांड किए थे तब जाके उसे 40 शेयर्स मिले थे। इट मीन्स दैट अनोखी ने एक्सेस 8 शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ था। इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट अनोखी का आया हुआ है एप्लीकेशन पर 8 शेयर का। एप्लीकेशन मनी 2 रुपये में फिक्स हुई थी, तो 8 शेयर पर 2 रुपये यानी कि 16 रुपये हमें एप्लीकेशन पर ही मिल चुके हैं अनोखी से। तो अनोखी से हमें पैसे आने थे अलॉटमेंट पर 200 रुपये, उसमें से 16 रुपये उसने एप्लीकेशन के टाइम पे ही दिए थे। तो इसका मतलब है कि नेट अमाउंट जो ड्यू होगा अनोखी से वो 184 रुपये होगा। तो ये जो 184 रुपीज़ है ये रहेगा हमारा अलॉटमेंट का कॉल्सिन एरियर्स का अमाउंट। दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपके सामने वर्किंग नोट रखा है। अब ये हो गया अनोखी के 40 शेयर्स के अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू और कॉल्सिन एरियर्स के अमाउंट। अब हम जानते हैं हमारी मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हमारी अलॉटमेंट की टोटल मनी रिसीव्ड कैसे निकलेगी। अभी ग्रॉस अमाउंट ड्यू जो है हमारे अलॉटमेंट का वो 10,000 रुपये है, जैसे कि 2,000 शेयर्स है और 5 रुपये अलॉटमेंट की अमाउंट फिक्स की गई हुई है, तो 2,000 × 5 = 10,000 रुपीज़ अमाउंट ड्यू है हमारी। तो उसमें से 400 शेयर्स जो थे वो 400 शेयर्स हम लोगों ने एडजस्ट किए थे कि वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो उन 400 शेयर्स पर एप्लीकेशन के 2 रुपये हमारे पास एक्सेस आए हुए थे, तो वो पैसे हम लोग हमारे 10,000 में से माइनस करेंगे। इसका मतलब है कि 10,000 रुपये ड्यू है उसमें से 800 रुपये हमें एडवांस में मिल चुके हैं, तो हमें जो अमाउंट ड्यू है वो सिर्फ 9,200 रुपये का है। तो नेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बनता है 9,200। अब ये 9,200 हमें अलॉटमेंट के मिलने चाहिए, लेकिन इनमें से अनोखी के 184 रुपीज़ नहीं आने वाले हैं जो हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है, तो वो 184 रुपीज़ हम लोग इस पे से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा जो है 9,016 रुपये। दोस्तों ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपके सामने अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड के वर्किंग नोट्स रखे हैं। अब हम जब स्टेटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स बनाएंगे तो उसमें हम बस ये अमाउंट्स फिलअप कर देंगे।
दोस्तों, इशू ऑफ शेयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वर्किंग्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वर्किंग्स हम इसी तरह से करेंगे तो हम जंबल नहीं होंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे और हम अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके हमारी डिजायर्ड सॉल्यूशन की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एडजस्टमेंट समझ आ चुकी होगी, आपको ये सारी अमाउंट्स भी समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, यानी कि अपना स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पर। अब ये स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कैसे बनाना है, ये मैंने अपने पुराने एक वीडियो में बताया था, जो वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसे कैसे लिखना है, कौन सा हेड कौन सी जगह जाता है। तो आपको अगर ये जानना हो तो आप उस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, ये वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हमारे इंस्टॉलमेंट्स, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹5, फर्स्ट कॉल ₹3, फाइनल कॉल ₹2। अब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पर शेयर, अब जैसे कि हमें पता है हमें जो एप्लीकेशन आए थे वो 3000 थे, तो हम लोग 3000 एप्लीकेशन में लिख देंगे, लेकिन हमें जो इशू करने हैं वो 2000 है, तो अलॉटमेंट के लिए 2000 और फर्स्ट कॉल के लिए 2000 है। जब फर्स्ट कॉल हो गया तो उसके बाद अनोखी के जो 40 शेयर्स थे वो फॉरफिट कर दिए गए, इसका मतलब कि वो 40 शेयर फाइनल कॉल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमारे फाइनल कॉल के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो रहेंगे वो रहेंगे 1960 ओनली, तो यहाँ पर वो 40 शेयर्स नहीं आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अमाउंट ड्यू से। अभी हमारी अमाउंट ड्यू जो थी एप्लीकेशन पर, हम लोगों ने 2000 शेयर्स इशू किए थे और एप्लीकेशन अमाउंट ₹2 पर फिक्स हुआ था, तो हमारा अमाउंट ड्यू रहेगा ₹4000। अलॉटमेंट पे 2000 शेयर्स हम लोगों ने अलॉट किए थे और अलॉटमेंट अमाउंट ₹5 था, तो अमाउंट ड्यू होता है ₹10,000। फर्स्ट कॉल 2000 शेयर ₹3 के हिसाब से ₹6,000, और फाइनल कॉल पे 1960 शेयर्स ₹2 के हिसाब से ₹3,920। ये है हमारा अमाउंट ड्यू। अब हम चलते हैं हमारी अमाउंट रिसीव्ड की ओर। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमें जो एप्लीकेशन मिले थे वो एप्लीकेशन 3000 आए थे, तो एप्लीकेशन पर हमें जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ था वो था ₹6,000। इसका मतलब 3000 शेयर्स इंटू ₹2 ऑन एप्लीकेशन, तो अमाउंट बनता है ₹6,000। अलॉटमेंट पर अमाउंट रिसीव्ड है हमारा ₹9,016। दोस्तों, ये 9,016 कैसे आता है, ये मैंने अभी अभी आपको डिटेल्ड नोट में डिटेल एक वर्किंग करके बताया है आपको कि ये ₹9,016 कैसे आता है। फिर भी फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अमाउंट ड्यू हमारा अलॉटमेंट का जो है वो ₹10,000 है, उनमें से ₹800 जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे हमें एक्स्ट्रा मिल चुके थे, तो हमारा अमाउंट ड्यू जो होता है वो होता है ₹9,200। 9,200 में से ₹184 एरियर्स में है, तो ₹184 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा अमाउंट बनता है ₹9,016। ये सब कुछ मैंने वर्किंग नोट में भी दिया है, तो आप पहले का स्लाइड देख सकते हैं। फर्स्ट कॉल पर जो अमाउंट रिसीव्ड है वो है ₹5,700, क्योंकि यहाँ पे भी 40 शेयर्स पे जो है वो हमें कॉल मिला नहीं है, फर्स्ट कॉल की पेमेंट हमें मिली नहीं है, और कस्तूरी के जो 60 शेयर्स है उसके ऊपर भी फर्स्ट कॉल की अमाउंट मिली नहीं है। इसका मतलब 100 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं मिली है, तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 300 रुपीज हमारे एरियर्स में जाते हैं, तो वो अगर हम माइनस कर ले तो हमारा अमाउंट रिसीव होता है ₹5,700। और फाइनल कॉल पर भी 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिले हैं, तो शेयर्स के पैसे मिले हैं सिर्फ 1900 शेयर्स पर, तो अमाउंट बनती है ₹3,800। अब जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हमारे पास आए थे उनमें से 600 शेयर्स जो है वो हम लोगों ने रिफंड कर दिए थे, और जो 400 शेयर्स है वो हमने एडजस्ट कर दिए थे, तो अमाउंट जो रिफंड होने वाला था वो ₹1,200 हम लोगों ने रिफंड कर दिया है, और ₹800 जो है वो अमाउंट एडजस्टमेंट के लिए रख दिया है। सो अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, इस तरह से हम लोगों ने ये दोनों भी अमाउंट्स यहाँ पर दे दी है। और अगला कॉलम जो लास्ट कॉलम है वो एरियर्स का, जिसमें हम लोगों ने अलॉटमेंट पर 184 रुपये
जो है वो हमारी वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके रखा था, जिसमें अनोखी जो शेयर होल्डर ने 40 शेयर्स लिए थे उसके ऊपर अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दिया था, तो उसके एरियर्स बनते हैं 184 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के एरियर्स है 300 रुपीज़ और फाइनल कॉल के एरियर्स है 120 रुपीज़। इस तरह से हम लोग हमारा स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स बना चुके हैं और हम लोग यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं। दोस्तों अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स सही तरीके से बना ले तो यहाँ पे हम 90% अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर वो चीज़ कर चुके हैं जिसकी हमें ज़रूरत है हमारी जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज में हमें पता है कि हमें अमाउंट ड्यू और अमाउंट रिसीव्ड की एंट्रीज करनी पड़ती है, तो उसके जो अमाउंट्स है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि हमें इस प्रॉब्लम में फॉरफीचर के भी एंट्रीज करने हैं, तो फॉरफीचर के एंट्रीज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं, तो वो कॉल्स इन एरियर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो वर्किंग टेबल है, ये वर्किंग टेबल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है, तो इसे हम लोगों को बहुत ही केयरफुल होके बनाना है और बहुत ही केयरफुल होके कैलकुलेशंस करने हैं। अब इस वर्किंग टेबल से हमें पता चल सकता है कि हमारी कितनी जर्नल एंट्रीज होने वाली है। अब जैसे कि यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्रीज होती है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको, तो 4 इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज होंगी 8, तो 8 एंट्रीज इंस्टॉलमेंट की होगी। इसके बाद प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि अनोखी के शेयर्स के फॉरफीचर होंगे और कस्तूरी के भी शेयर्स के फॉरफीचर होंगे, तो दोनों के शेयर्स के फॉरफीचर की 2 अलग एंट्रीज होंगी, तो टोटल एंट्रीज होगी 10। अब इसके बाद ये जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं वो शेयर्स फिर से री इशू भी किए गए हैं, तो री इशू की फिर से एक एंट्री होगी, तो एंट्रीज हो गई 11। और लास्ट में जो फॉरफीचर हुआ है और री इशू हुआ है तो उसके ऊपर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो देखने के लिए हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी, जो एंट्री होगी हमारी कैपिटल रिजर्व की। तो कुल मिला के हमारी 12 एंट्रीज होगी, जो कि हमें पता चलता है हमारा प्रॉब्लम ठीक से पढ़ने के बाद और हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स देखने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी वर्किंग समझ आ चुकी होगी, आपको ये वर्किंग टेबल भी समझ आ चुका होगा और इसमें जो कैलकुलेशंस हमने किए हैं, ये स्टेटमेंट जो हमने बनाया है वो आपको समझ आ चुका होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे अपनी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की पहली जर्नल एंट्री होती है अमाउंट रिसीव्ड की, तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3000 एप्लीकेशन हमें मिले थे, 2 रुपये एप्लीकेशन पर फिक्स हुए थे, तो अमाउंट होगी 6000 रुपीज। नरेशन बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये जो 6000 रुपये हमें आए थे वो 6000 रुपये हमें ट्रांसफ़र करने होंगे। अभी ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों को पता है कि आउट ऑफ दिस 6000 रुपीज़ 600 शेयर्स पर जो पैसे आए थे वो हम लोगों ने रिफंड कर दिए हैं, और जो 400 शेयर्स थे वो हम लोग एडजस्ट करेंगे हमारी अलॉटमेंट मनी के साथ, और जो 2000 शेयर्स है जो कि एक्चुअली हमने इशू किए हुए हैं, जो एक्चुअली हमने डिमांड किए हुए हैं, उतने ही हम कैपिटल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट यानी कि रिफंड 1200 रुपीज़ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यानी कि हमारा कॉल्स इन एडवांस 800 रुपीज़, जो 400 शेयर है वो हम एडजस्ट करेंगे हमारी अलॉटमेंट मनी के साथ। तो बिंग ट्रांसफ़र रिफंड एंड एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, नरेशन भी हमने लिख दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री होगी हमारी अमाउंट ड्यू की। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉब्लम में हम लोगों ने जो इशू किया है वो प्रीमियम के साथ किया है, और जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट की मनी में इंक्लूड किया गया है, तो अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू जो होगा उसकी एंट्री प्रीमियम के साथ होगी। तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट की जो ओरिजिनल प्राइस थी 3 रुपये 6000, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, जो प्रीमियम की अमाउंट फिक्स की गई थी 2 रुपीज़ पर शेयर, वो हम सेपरेटली प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे, तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट होती है 4000 रुपीज़, बींग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री यानी कि अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री,
एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9016 रुपए। ये कैसे आती है अमाउंट, हम लोगों ने हमारी वर्किंग नोट में देखा है और हमारी वर्किंग टेबल में भी डिस्कस किया है, आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। तो अगली एंट्रीज होगी हमारी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री है अमाउंट ड्यू की एंट्री। तो पहली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 6000 रुपीज बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की दूसरी एंट्री जो है वो है अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री, जिसमें हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड है 5700, क्योंकि 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिला हुआ है। अनोखी के 40 और कस्तूरी के 60 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी हमें नहीं मिली है, तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब जैसे कि प्रॉब्लम में बताया गया है, आफ्टर फर्स्ट कॉल अनोखी के जो 40 शेयर्स थे वो शेयर्स हमें फॉरफिट करने हैं, तो उन 40 शेयर्स पर हम लोग हमारा फाइनल कॉल नहीं मंगा रहे हैं, वो शेयर्स हम अभी ही फॉरफिट कर रहे हैं, तो हम फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री होगी हमारी ऑन फॉरफीचर ऑफ 40 शेयर्स ऑफ अनोखी। तो अब ये जो 40 शेयर्स अनोखी के थे जो अनोखी ने पैसे नहीं पेड किए थे, तो उन्हें हम फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफीचर की जो एंट्री बनेगी वो एंट्री इस तरह से है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 40 शेयर्स है और 8 रुपीज कैपिटल के है, क्योंकि इसमें सेकेंड कॉल की अमाउंट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर सेकेंड कॉल नहीं मंगा रहे हैं। तो अमाउंट होगी 320 रुपए। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 40 शेयर पर 2 रुपए का प्रीमियम 80 रुपीज। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 48 शेयर्स पर 2 रुपीज 96 रुपीज। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जैसे कि हम लोगों ने वर्किंग नोट में निकाला हुआ था कॉल्स इन एरियर्स जो थे अलॉटमेंट के वो 184 थे, तो वो कॉल्स इन एरियर्स हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 40 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, तो जो कॉल्स इन एरियर्स थे अनोखी के शेयर्स के फर्स्ट कॉल के वो आते हैं 120 रुपए। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉरफीचर की एंट्री कर ली है, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 40 शेयर्स ऑफ अनोखी। मैं आपके लिए एंट्री फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 320 रुपए, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 80 रुपीज, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 96 रुपीज, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 184 रुपीज, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 120 रुपीज। यहाँ पर हम लोगों ने अनोखी के 40 शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट की तरफ, जो कि है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो उसकी पहली एंट्री होगी अमाउंट ड्यू की एंट्री है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 शेयर्स में से अनोखी के 40 शेयर्स हमको माइनस करने हैं, तो हमारे पास शेयर्स बचते हैं 1960 और अमाउंट होगी हमारी 3920। अब अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री होगी जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 100 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं आया हुआ है, तो वो कॉल्स इन एरियर्स में चला जाएगा और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो है वो आएगा 3800, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 60 शेयर्स। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं। अब जो कस्तूरी के 60 शेयर्स थे वो 60 शेयर्स भी हम लोगों को फॉरफिट करने के लिए कहा गया है हमारी प्रॉब्लम में। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी ऑन फॉरफीचर ऑफ 60 शेयर्स ऑफ कस्तूरी। तो कस्तूरी के जो 60 शेयर्स है वो हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 × 10 = 600, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 5 × 60 = 300 रुपीज, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60 × 3 = 180 रुपीज, एंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60 × 2 = 120 रुपीज। जैसे कि हमें पता है 60 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं आया था और हम लोगों ने वो शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, तो हम जो कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट्स है वो एरियर्स की अमाउंट्स यहाँ पर लिख देते हैं और इस तरह से हमारी फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 60 शेयर्स ऑफ कस्तूरी। अब हमें बताया गया है कि जो अनोखी के 40 और कस्तूरी के 60 शेयर्स थे उन शेयर्स में से 80 शेयर्स जो है वो सोल्ड किए गए थे शाम को, तो आउट ऑफ 100 फॉरफिटेड शेयर्स
80 शेयर्स री इशू किए गए हैं। तो हम लोगों को एंट्री देनी है ऑन री इशू ऑफ 80 शेयर्स। अब जो री इशू किया गया है वो री इशू 9 रुपए से किया गया है, जबकि हम जानते हैं कि हमारी फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसका मतलब हम ये अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि हमारा जो री इशू है वो री इशू डिस्काउंट में होता है। तो हम लोगों को जो री इशू की एंट्री करनी होगी वो एंट्री डिस्काउंट में करनी होगी। तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स पर 9 रुपए 720 रुपए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट जो कि डिस्काउंट है 80 शेयर्स पर 1 रुपीज़ डिस्काउंट हमने दिया है तो 80 रुपीज़, टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा 800 रुपीज़, बींग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इस तरह से हम लोगों ने 80 शेयर्स री इशू किए हैं ऑन डिस्काउंट। अब फॉरफिचर भी हो गया और री इशू भी हो गया। अब इसमें से जो हमें गेन मिलता है वो गेन हम कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र की जो एंट्री है वो एंट्री इस तरह से है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 216 रुपए। ये 216 रुपए कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगी एक वर्किंग नोट के साथ। बींग प्रॉफिट ऑन फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं ये 216 रुपए कैसे आते हैं। अब जैसे कि हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है तो हमें पता है कि हमें जो अमाउंट मिली है, अमाउंट रिसीव हुई है फ्रॉम श्याम, वो है 48 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट मिली है 96 रुपीज। फिर अमाउंट रिसीव्ड एज कैपिटल ऑन 40 शेयर्स ऑफ कस्तूरी, अभी जो कस्तूरी के 40 शेयर्स थे उसके ऊपर कैपिटल की तरह अमाउंट मिली थी, तो 40 × 5 अमाउंट आई थी 200 रुपीज़, तो इन टोटल अमाउंट है 296 रुपीज़। अभी इसमें से हम लोगों ने जो री इशू किया था उस री इशू का डिस्काउंट हमें इनमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्काउंट होता है वो हमारे लिए लॉस होता है। तो हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया है 80 शेयर्स पर 1 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट होती है 80 रुपीज़। तो मैंने जो अमाउंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट की है उसको हाईलाइट किया है, तो ये 80 रुपीज़ जो है वो हम लोग माइनस कर लेंगे और बाकी जो अमाउंट रहती है वो होती है 216 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से ये 216 रुपए जो है वो 216 रुपए हमें हमारी फॉरफिचर और री इशू पर हुआ प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट हमें मिला है ये प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे हमारी कैपिटल रिजर्व में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आसानी से हमारे प्रॉब्लम को ठीक से देखकर उनमें छुपी एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर सही तरह से वर्किंग नोट बना लें और सही तरह से हमारा स्टेटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स अगर बना लें तो हम लोग हमारा प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं जानती हूँ कि इश्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन में बहुत लेंदी है और बहुत वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन ये जितना लेंदी है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। इसे अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग कर ले तो ये हमें अच्छे से कैलकुलेट करने आ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी कैश बुक के साथ। जैसे कि प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि हमें कैश बुक बनाना है। अब हम लोगों को मालूम है कि जैसे जर्नल एंट्रीज हमने की है तो हर इंस्टॉलमेंट पे हमें एक बैंक की एंट्री देखने को मिलती है। जो बैंक की एंट्री है वो एंट्री हमें हमारी कैश बुक में ट्रांसफ़र करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैश बुक बनाया हुआ है जिसमें मैंने सिर्फ बैंक कॉलम लिया है, तो रिसीट साइड और पेमेंट साइड दोनों भी है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग जो शेयर एप्लीकेशन पर बैंक में हमारे पास जो पैसे आए थे उसकी एंट्री करेंगे। तो हमें जो फर्स्टली पैसे मिले थे 6,000 रुपीज़ ऑन शेयर एप्लीकेशन, वो हमने लिख दिए हैं। उन 6,000 रुपीज़ में से हम लोगों ने 1,200 रिफंड कर दिए थे, तो वो हमने पेमेंट साइड में दे दिए हैं। फिर हमें जो रिसिप्ट मिली थी वो शेयर अलॉटमेंट की थी, यानी कि शेयर अलॉटमेंट पर हमें 9,016 रुपए मिले हुए थे। फिर शेयर फर्स्ट कॉल पे हम लोगों को 5,700 रुपए रिसीव्ड हुए थे और शेयर फाइनल कॉल पे हम लोगों को रिसीव्ड हुए हैं 3,800 रुपीज़। उसके बाद जो हमने अभी अभी री इशू किया था 80 शेयर्स का, तो उस री इशू पे हमें पैसे मिले थे 720 रुपये। इस तरह से हम लोग हमारी जर्नल एंट्रीज के हेल्प लिए अपना कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं और कैश बुक में अपने सारे अमाउंट्स लिख सकते हैं।
अब हमें कैश बुक बंद करना है। अभी ये क्लोज करने के लिए हम लोग पहले टोटल करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। टोटल अमाउंट आएगा 25,236, जो बैलेंसिंग अमाउंट है 24,036 वो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। तो ये जो 24,036 रुपीज है, ये है हमारा बैंक बैलेंस। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी कि बैलेंस शीट की तरफ। जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट भी बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रखनी है। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड से शुरू करेंगे और वहाँ पे हमें पता है कि पहला आइटम होता है हमारा शेयर कैपिटल। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो टोटल शेयर्स है वो है 1980 शेयर्स और एक शेयर है हमारा 10 रुपये का, तो हमारा जो शेयर कैपिटल होता है वो होता है 19,800 रुपये। फिर हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हमारी लायबिलिटी साइड को जाता है। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जैसे कि 20 शेयर जो कस्तूरी के 20 शेयर थे वो हमने री इशू नहीं किए हैं, वो अभी भी बाकी है। फिर उसके ऊपर री इशू करने के बाद लॉस होगा या क्या होगा पता नहीं है हमें, तो उसके लिए हम लोगों ने वो अमाउंट जो है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में रिटेन की हुई है, तो वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 100 रुपीज। हमारे पास शेयर प्रीमियम अकाउंट है, तो वो जो प्रीमियम होता है वो हम लोग लिखते हैं हमारी लायबिलिटी साइड में। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट 1960 शेयर पर हमारे पास 2 रुपये प्रीमियम पर शेयर था, तो अमाउंट होता है हमारा 3,920 रुपये। और आखिरी में जो लास्ट एंट्री हम लोगों ने देखी थी कैपिटल रिजर्व की, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हमें प्रॉफिट हुआ था हमारे फॉरफीचर और री इशू पे, तो वो वाला अमाउंट 216 का हम लोग लिख देंगे। उसी के साथ एसेट साइड में हम हमारा बैंक बैलेंस भी लिख देंगे, जो कि हमने अभी अभी हमारे कैश बुक में कैलकुलेट किया हुआ था। तो कैश एट बैंक 24,036 रुपीज। इस तरह से हम लोग हमारी बैलेंस शीट बना सकते हैं और इसकी टोटल कर देंगे हम, और ये बैलेंस शीट बन चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम में मैं आपको सारी एडजस्टमेंट एक साथ ला सकूं और एक साथ आपको बता सकूं, ताकि आप इशू ऑफ शेयर का कोई भी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सके। इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन देखा है, इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने इशू एट प्रीमियम देखा है, री इशू एट डिस्काउंट भी देखा है, इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने प्रोरेटा अलॉटमेंट देखा हुआ है, इसी प्रॉब्लम में हम लोगों ने फॉरफीचर देखा है, पार्टली री इशू भी देखा है और रिफंड देखा है और अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट भी हम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने कंबाइन करके एक ही प्रॉब्लम में लाई है, ताकि आप सब लोगों को इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पूरी जानकारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने से मिल जाए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करें, और भी जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चले। तो दोस्तों गौर से फिर से एक बार प्रॉब्लम पढ़िए और फिर से एक बार ये वीडियो देखिए, जिससे कि आपको हर एडजस्टमेंट के बारे में और उसके डिटेल वर्किंग के बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।